आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, यानी कि इस दिन से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं क्षीर सागर में। और आज के दिन से हर प्रकार के मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। देवशयनी एकादशी को बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जिन्हें कि हम पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और कुछ लोग इसको देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवशयनी यानी कि भगवान विष्णु शयन मुद्रा। देव भगवान विष्णु को कहते हैं और हरि भी कहते हैं भगवान विष्णु को। इस दिन हमें विशेषकर भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। जो भी हम भोग भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी दल का विशेष प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी को घी का दिया जलाना चाहिए और बहुत भक्तिभाव से उनकी पूजा करनी चाहिए।